मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 दिसंबर 2022 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। गहलोत सरकार के आखिरी साल में कई सरकारी भर्तियों को पूरा किया जा सकता है। राजस्थान सरकार की यह कोशिश होगी कि चुनाव से ठीक पहले बंपर भर्तियां निकालकर बेरोजगार युवाओं को साधने की कोशिश हो। इसीलिए 2023 में राजस्थान पुलिस भर्ती से लेकर शिक्षक भर्ती के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2023 के अलावा थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड टीचर जॉब के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 7810 पदों को मिलाकर करीब 1,00,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। दूसरी बड़ी खबर और दुखद खबर, जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भूंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट के हादसे में मौतों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 4 और मौत हो गई। दम तोड़ने वालों में दूल्हे के पिता और एक मासूम भतीजा भी शामिल है। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। हर कोई दुआ कर रहा है कि मौतों का आंकड़ा यहीं पर रुक जाए। आपको बता दूं अभी भी 31 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं, जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले के बाद अब प्रशासन जागा है। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अब निर्देश जारी किया है कि विवाह स्थलों और होटलों की जाँच हो और लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि ऐसे हादसे भविष्य में। अगली बड़ी खबर, सरकार रिपीट करने की पुरजोर कोशिश में जुटी राजस्थान की कांग्रेस सरकार के लिए अगला विधानसभा चुनाव सबसे कठिन होगा और इसकी वजह बन सकती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात में जिस तरह आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया वैसे ही समीकरण राजस्थान में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। और इसका एक कारण यह भी है, 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में आपने गुजरात से बेहतर प्रदर्शन राजस्थान में किया था। यही अनुपात आगे रहता है तो अगले साल हो रहे चुनाव में आप 47 सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाएगी और अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए सरकार बनाना काफी आसान होगा और कहीं न कहीं कांग्रेस को भी अब आपका डर सता रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी चौथी वर्षगांठ पर जश्न मनाने की तैयारी में जुट गई है। 16 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जयपुर समेत प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम होंगे। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। इससे पहले पूर्व संध्या पर 16 दिसंबर की शाम जयपुर के अल्बर्ट हॉल में कल्चरल प्रोग्राम होंगे। रंगारंग कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायिका सुनिधि चौहान लाइव म्यूजिक प्रस्तुति देगी और बड़ी बात यह है, भारत जोड़ो यात्रा से निकल राहुल गांधी इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे और फिर 17 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली जाएगी। राहुल गांधी का दौसा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम बना है। सीएम गहलोत भी इस दौरान साथ रहेंगे। 17 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के 4 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे। माना यह भी जा रहा है कि 18 दिसंबर को दौसा के सिकंदरा में राहुल गांधी फिर स्मार्टफोन योजना को भी लॉन्च कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, भाजपा की जन आक्रोश यात्रा में नेताओं के बीच चल रही खींचतान अब सामने आने लगी है। मामला अलवर का है। यहां यात्रा के दौरान 2 महिला नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों महिला नेताओं ने एक दूसरे पर थप्पड़ भी बरसा दिए। मामला इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। एक और बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को दौसा में प्रवेश करने वाली है, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले ही दौसा में विरोध के सवर मुखर होने लगे हैं। मंगलवार सुबह दौसा की दीवारों पर जगह जगह राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे गए। रात के समय अज्ञात लोगों ने दौसा की दीवारों और पुलियों पर राहुल गांधी गो बैक के नारे लिखे गए। साथ ही में जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, इंद्र मेघवाल और ओम प्रकाश रेगर को न्याय दो यह भी लिखा गया है। एक और बड़ी खबर, जयपुर में फरारी काटने आई लेडी डॉन रेखा मीना को रामनगरिया थाना पुलिस ने अरेस्ट किया है। करौली में दोस्तों के साथ एक युवक को गोली मारने के बाद लेडी डॉन रेखा वहां से भागी थी। रामनगरिया थाना पुलिस ने लेडी डॉन को अरेस्ट करने की सूचना करौली पुलिस को दी है। उसे जल्द ही करौली पुलिस के हवाले किया जाएगा। आपको बता दूं, लेडी डॉन रेखा मीणा का पहले भी शराब पीते और सोशल मीडिया पर गालियां व धमकी देने के वीडियो वायरल हुए थे। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।